नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। चार दिनों से लापता संतोष पटेल के परिजनों ने आज आईजी रीवा को ज्ञापन देते हुए संतोष के अपहरण की आशंका जताई और पुलिस अधिकारी से जल्द उसका पता लगाने की मांग की है। हालांकि विश्वविद्यालय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही संतोष का पता लगाने की उम्मीद जताई। शहर के सुंदर नगर निवासी अपहृत संतोष पटेल के परिजनों ने बताया कि बीते 24 जून की सुबह संतोष घर से बाहर निकले और 12:30 बजे घर वालों से फोन पर बात की। इसके बाद जब शाम तक वो घर नहीं लौटे तो घर वालों ने फोन लगाना शुरू किया, लेकिन उनका फोन बंद मिला, जिसके बाद अगले दिन 25 जून को परिवार वालों के द्वारा विश्वविद्यालय थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बताया जा रहा है कि संतोष पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी का काम करता था और पिछले कुछ दिनों से साझेदारों से पैसे को लेकर विवाद भी चल रहा था, जिसको लेकर वो काफी परेशान था। ऐसे समय में कई दिनों से लापता होने पर संतोष के परिजनों ने उसके अपहरण की आशंका जताई। इसके अलावा संतोष के परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सही तरीके से जांच ना करने का आरोप भी लगाया है। इस संबंध में आज परिजनों ने रीवा आईजी चंचल शेखर के कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और उनसे संतोष का पता लगाने की मांग की। परिजनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर संतोष का पता नहीं चलता है तो वो आईजी ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इस मामले में बोलते हुए रीवा पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर ने कहा है कि ये मामला आज मेरे संज्ञान में आया है, विश्वविद्यालय थाना पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही पुलिस संतोष पटेल का पता लगाने में सफल होगी। आज मेरे छोटे भाई को 24 तारीख को 12 बजे से अपहरण हो गया, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। पुलिस प्रशासन में हम हर एक जगह पुलिस विभाग कोई प्रशासन नहीं ले रही उठा रही है। आज तक छठवां पांचवा दिन हो गया है, कोई प्रकार का वो नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे छोटे भाई को जल्द से जल्द ढूंढने का प्रयास करें, ले आए। क्या नाम है उनका, कहाँ से कहाँ निकले थे? बोदाबाग सुंदर नगर में घर है, वहाँ 11:30 बजे के लगभग निकले हैं। 12 बजे तक इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट के पास उनका मोबाइल फोन करे हैं। 12 बजे के लगभग 12:12 पे फोन आया सुबह, हाँ 24 तारीख को 12:12 में, और वहाँ से बोले कि हम बैकुंठपुर जा रहे हैं। उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया, तब से हम लोग सोचते थे कि 2 घंटे में आ जाएंगे, कोई फ़ोन नहीं आया। रात भर गुजर गई। दूसरे दिन 25 तारीख को हम विश्वविद्यालय थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया, तब से कोई कार्रवाई अभी आज तक नहीं हो रही है। आज क्या मांगे हैं यहाँ पे? आज हमसे बोले कि आप पूरा जेल लिख के दे दीजिए, हम उनको जल्द से जल्द कार्रवाई कर रहे हैं, मोबाइल का डिटेल निकलवा रहे हैं, पूरे से डिटेल आता है तो वहाँ से वो हम निकलवा लेंगे, तो कार्रवाई। किसी से कोई दुश्मनी या किसी पे शक कुछ? 4 तारीख को कलेक्ट्रेट से 4 आदमी आए, उनको उठा ले गए जबरदस्ती पकड़ करके, फिर अतुल तिवारी के यहाँ गए, अतुल तिवारी के पास बैठे थे, फिर 2 आदमी आए उनके यहाँ से मेरे घर सुंदर नगर, तो बोले कि गाड़ी दो, बच्ची लोग थी तो बोले कि हमारी गाड़ी ख़राब है, हम गाड़ी चाबी नहीं देंगे। फिर वो जो आया था ड्राइवर, कहीं बोला कि हम धीरे धीरे अपनी गाड़ी आपकी हम ले जाएंगे, तो बच्ची फिर से बोली कि हम नहीं देंगे। तो फिर छोटे भाई संतोष से फ़ोन करवाए, बात करवाए, तो संतोष बोले कि जब हमारी जान प्रिया है कि गाड़ी प्रिया है, दे दो गाड़ी, नहीं तो हमको मार डालेंगे। तब ये लोग बच्ची लोग गाड़ी की चाबी दे दिए और गाड़ी ले गए। क्या मामला था? मामला यही था, प्रॉपर्टी का मामला था। एक महीने से परेशान थे, हिसाब के चिरहुला के हिसाब से परेशान थे, उनको हिसाब नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वो पूरी अपनी जितनी भी कमाई थी वहाँ पे लगाए हुए थे, कुछ उनको हिसाब नहीं दिया जा रहा था। उनके जो पार्टनर थे तो अपने अपने हिसाब ले लेके चले जा रहे थे, क्योंकि घर में हम लोग रहते थे तो हम लोग जानते थे कितना परेशान थे वहाँ के हिसाब से, उनको हिसाब नहीं दिया जा रहा था। और घर में ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि घर में वो ये बोले कि हम इस कारण जा रहे हैं, कोई लड़ाई बहस कुछ भी नहीं, आराम से आए हैं, नाश्ता किए हैं, फिर उसके बाद घर से चले गए। ये बोलती कि मैं 2 घंटे बाद वापस आ जाऊँगा। 12:12 में मेरे ही नंबर पर कॉल किया गया है, वो फ़ोन किए हैं कि मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, जीप मिल गई है, मैं 2 घंटे बाद वापस आ जाऊँगा। उसके बाद दोपहर से हम लोगों ने फ़ोन लगाना स्टार्ट किया है, उनको फ़ोन नहीं लगा, फ़ोन कंटिन्यू 5 दिन से स्विच ऑफ आया है और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है।
हमें आज भी परसों के लिए बोला गया कि कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आज तक कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिली। क्या ऐसा है कि BSNL का नंबर एक एक हफ्ते दस दस दिन क्या कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी? तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, वेट करेंगे कि जब कॉल रिकॉर्डिंग मिल गई तब आगे की कार्रवाई हो। उनकी फोटो दी गई पुलिस थाने में, पूछताछ नहीं हुई। इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर बाईपास तक के लिए कई कैमरे हैं, वहाँ CCTV फुटेज नहीं देखा गया। अभी क्या हमारा काम हम जाके करेंगे कि पुलिस का काम होगी? पुलिस एक्शन लेगी तब ना वहाँ पे दिखाएंगे, हम लोग को तो नहीं दिखाएंगे डायरेक्टली। हम चाहते हैं कि किसी भी हाल में हमारे पापा घर वापस आए जल्दी से जल्दी। ये काम पुलिस का है, पुलिस एक्शन ले और कार्रवाई करे। आप आइए साहब के यहाँ धरने पे हैं, क्या आश्वासन मिला यहाँ से? आश्वासन यहाँ से यही दिया गया है कि वो कोशिश कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं, बाहर से मंत्री मिनिस्टर जहाँ से उनका हो रहा है फोन किए हैं, सब किए हैं, वो यही बोल रहे हैं कि आ जाएंगे। तो हम भी यही चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी घर आए। और गाड़ी के लिए हमारी गाड़ी चली गई 4 तारीख को, हमारे घर से लेके गए गाड़ी, ये बोल के कि हमारे पापा ये बोले हैं कि क्या कहते हैं जान से ज्यादा प्यारी गाड़ी है, गाड़ी की चाबी अतुल तिवारी के आदमी आए, बोले कि गाड़ी की चाबी दो, पापा बोले हैं कि गाड़ी ले जाना है। अतुल तिवारी क्या प्रॉपर्टी में पार्टनर? हाँ, पार्टनर थे साथ में। शक किसके ऊपर है आपको, कौन ऐसा शक? अब हम जिसको देख लिया हम ये कैसे बोल सकते हैं? हमारे घर में जो घटना हो रही वो चीज हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे वाद विवाद हुआ उनका, इनके साथ दुश्मनी, ये वो सब हम जानते हैं। बाकी तो उनके पार्टनर बताएंगे ना कि जो उनके साथ में हमेशा रहते थे, वो बताएंगे कि किससे उनकी बात विवाद बातचीत क्या लड़ाई झगड़ा सब ये वो बताएंगे। वो भी खुल के नहीं बोल रहे हैं कि क्या उनकी लड़ाई झगड़ा किसके साथ क्या हो रहा है। हाँ, वो पहली बार आज मेरे कार्यालय में आए हैं कि एक महिला और उनकी पुत्री आई हैं, कहना है कि कोई संतोष पटेल हैं, वो प्रॉपर्टी वगैरह का काम करते थे, 24 तारीख से अपने निवास से कहीं चले गए हैं। इस संबंध में बातचीत करने पर जब मैंने थाने से बातचीत की तो थाने के स्टाफ का कहना है कि लेन देन के मामले के कारण वो शायद व्यथित हैं। दो लोगों का नाम बताया है जिनका पैसा उनके ऊपर बकाया है, परंतु परिवार वालों का कहना है कि पैसा इन्होंने दे दिया था और कुछ और बिंदु बता रहे हैं, जैसे कि मॉल में दुकान थी और उस मॉल के दुकान को किसी व्यक्ति को बेचा गया है, पर बेचे जाने के बाद जो है पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया है, और 4 तारीख में कलेक्ट्रेट में कुछ लोगों के साथ देखा गया है। हम इन सब, चूँकि ये पहली बार आज लेकर के आए हैं यहाँ, तो हम इन सब बिंदु पे वर्कआउट कर रहे हैं, देखते हैं कहीं कुछ लोकेशन मिलेगा उनका। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स और खास खबरों के लिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। और हाँ, गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।